सभी को हैप्पी दीपावली। और अब बात करें मौसम की, तो पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर ड्राई वेदर रहा है। मिनिमम टेम्परेचर जो इंटीरियर उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट है वहाँ नीचे गिरे फॉल देखा गया है, और कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा बदलाव नहीं देखा गया है। सबसे कम तापमान फुलवानी का 14 डिग्री सेल्सियस और हिल स्टेशन सिमलीगुड़ा का 12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भुवनेश्वर का मिनिमम टेम्परेचर 19.8 और कटक का 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगर बात करें मिनिमम टेम्परेचर 24 आवर चेंज की, सबसे अधिक जो चेंज है वो नवरंगपुर में -2.5 डिग्री सेल्सियस चेंज देखा गया है। बाकी भुवनेश्वर कटक में 0.4 और 0.5 डिग्री सेल्सियस का 24 घंटे में मिनिमम टेम्परेचर बदलाव देखा गया। फिलहाल उड़ीसा के ऊपर कोई भी सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है, इसकी वजह से अगले 3 दिन तक तो उड़ीसा में ड्राई वेदर रहने की संभावना है। उसके बाद डे 4 यानी 15 नवंबर को जो हमारे कोस्टल जो साउथ कोस्टल उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट और कटक जगतसिंहपुर रायगढ़ कोरमंडल कालगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उसके बाद बालासोर भद्रक जाजपुर केंद्रपाड़ा इन डिस्ट्रिक्ट में 1-2 स्थान पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इसी प्रकार 16 तारीख को भी जो हमारा कोस्टल उड़ीसा पूरा और साथ में सटे मयूरभंज केंदुझर ढेंकनाल इन सब डिस्ट्रिक्ट में कुछ स्थानों पर, और जो बाकी जो बचे जो ये ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं अनुगुल बोध कंधमा कलान रायगढ़ कोरमंडल इनमें 1-2 स्थान पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उसके बाद 17 तारीख को जो हमारा नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा है और उसके साथ मयूरभंज केंदुझर अनुगुल ढेंकनाल बोध नयागढ़ खुर्दा पुरी यहाँ तो कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उसके अलावा सुंदरगढ़ देवगढ़ कालांडी कंधमाल गंजम गजपती रायगढ़ नवरंगपुर कोरापुट मलकानगिरी इन सब डिस्ट्रिक्ट में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। 18 तारीख को भी उड़ीसा के नॉर्थ ईस्ट हिस्सों में नॉर्थ ईस्ट उड़ीसा के कुछ डिस्ट्रिक्ट में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अगर बात करें मिनिमम टेम्परेचर में तो अगले 4-5 दिन तक मिनिमम टेम्परेचर में ज़्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकने की संभावना है। अगर बात करें सिस्टम की तो एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो गल्फ ऑफ थाईलैंड में बनी हुई है जो कि मिड ट्रोपोस्फेरिक लेवल तक है और साउथ वेस्टवर्ड की तरफ हाइट के साथ टिल्ट कर रही है। ये सर्कुलेशन आगे अंडमान सी में इमर्ज होगी 13 तारीख को। फिर इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव के कारण एक लो प्रेशर एरिया जो कि साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल पे फॉर्म होगा 14 नवंबर को। उसके बाद ये सिस्टम धीरे धीरे वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड की डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा और ये फर्दर इंटेंसिफाई होने की संभावना है इसके एक डिप्रेशन में जो कि सेंट्रल और एडजॉइनिंग साउथ बे ऑफ बंगाल पे 16 नवंबर के आसपास बनने की संभावना रख रहा है।